फिर भी एक पन्ना लिखा। बहुत काम करने के बाद, हजारों गाय बंधवाने के बाद 10 पन्ना लिखा। ऐसे करते करते 211 पन्ने का एक ग्रंथ हुआ। उनको मैंने गोवेद नाम नहीं दिया, हमारे निरंजन राज्य गुरु है, भजन में PhD किया, उन्होंने गोवेद नाम दिया के, और मुरारी बापू ने प्रसन्न होकर उनका विमोचन किया है। वो किताब मेरे पास नहीं है, उनका भी मैं अभी लिख रहा हूँ, फिर से उनका भी हिंदी हो जाएगा तो वो सब मैं लेकर आऊँगा। हम सब मिलकर सही दिशा में काम करेंगे ना, तभी भारत की गाय बचेगी और भारतीय संस्कृति बचेगी और ये राष्ट्र बचेगा। देख लो विदेशियों के कारनामे, देख लो विधर्मियों के कारनामे, वो सब अपना एक कट्टरवादी संप्रदाय को विश्व में स्थापित करने के लिए सबको मारकर भी वो काम कर रहे हैं। तो अगर हम जागरूक होकर हम पुरुषार्थ नहीं किया ने, तो हम कीड़े मकोड़े की तरफ मिट जाएंगे। अगर हमें जो बचना है ना, तो हमें काम करना होगा, हमें एकत्रित होना होगा। क्यों हम सबसे शक्तिशाली ना हो? हम बोले कि जर्मनी वाले शक्तिशाली है, जापान वाले शक्तिशाली है, इजराइल वाले शक्तिशाली, तो हमने मना की है ऊपर वाले ने कि आपको शक्तिशाली नहीं होना है, हैं? हम शरीर से सबसे बड़वान क्यों ना हो, हम मन से सबसे बड़वान क्यों ना हो, हम सबसे बुद्धिमान क्यों ना हो, सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य क्यों ना हो, ऐसा मानकर जब हम पुरुषार्थ करेंगे सिर्फ बात नहीं, तो भारत और भारतीय संस्कृति अवश्य खड़ा होगा। इस दौर पर काम किया तो जो 2-5 हजार गाय बची थी, हमें एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज 2 लाख गाय लोगों ने अपने घर में बांध ली है गुजरात में। और एक बात खास बताना चाहता हूं, यहां हमने धरातल में काम किया, मैं गांव में काम करता रहा। केंद्र के मंत्री सोमपाल शास्त्री जी ने बताया कि आपने सरकारी सहाय के बिना और श्रमदान से 51 बांध एक गांव में बनाए हैं, और ऐसा तो हमने 300 गांव में काम किया, वो भारत की नहीं विश्व की पहली घटना है कि भाई कोई वहां सभी जगह सरकार काम करती है लेकिन प्रजा ने किया, तो ऐसा काम करने का अवसर परमात्मा ने दिया, वो मेरा परम सौभाग्य है। ये गाय की योजना सफल हुई है। तो यहाँ क्या हुआ, कुछ गौ सेवक, कुछ गौशाला वाले, कोई साधु महात्मा, कोई पॉलिटिशियन हमारी योजना आकर देख गए, मेरी किताब पढ़ ली और सारे देश में जाकर गिर गाय का भाषण देने लगे। उन्होंने बहुत नुकसान किया है, समझ लो। जो जैन साधु किसका प्रचार करेगा कि हमारा धर्म महान है, शिव जी का उपासक बोलेगा कि शिव सबसे बड़ा भगवान है, वैष्णव संप्रदाय का बोलेगा वो कि हमारा भगवान सबसे बड़ा है। गिर गाय नाम का ही किसी को पता गुजरात में नहीं था, परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया तो मैं भी अपनी प्रसिद्धि चाहता तो सारे देश में बोलता है कि बस गिर गाय ही महान है, गिर गाय महान नहीं। हमारा दायित्व सारे देश की गाय का बचाने का है, हमारा विजन भी सारे देश की गाय के ऊपर है। तो जो गिर गाय योजना का जन्मदाता व्यक्ति है वो आपको बता रहा है कि गिर गाय ही सर्वश्रेष्ठ होती, फायदे वाली होती, तो परमात्मा ने अफ्रीका से रशिया तक क्यों नहीं बनाई? उनको क्या 1 रुपये का खर्चा था, हैं? हैं? हम परमात्मा से भी आगे जाना चाहते, समझ लो। राजस्थान की थरपारकर गाय, उनका दूध गर्मी में जीवन की सुरक्षा करता है और हिमालय की गाय का दूध बर्फ में सुरक्षा करता है, वो भेद हम समझ ले। वहां की वनस्पति इस प्रकार की है कि वो खाती है तो गाय के पेट में ऐसी दूध की में शक्ति आती है। राजस्थान की गाय गर्मी में सुरक्षा देती है, प्राण शक्ति देती है, हिमालय की गाय बर्फ में प्राण शक्ति देती है, जीवन की रक्षा करती है। तो सभी जगह गिर गाय वो पागलपन है, ऐसा भारत की गाय का नष्ट हो जाएगा, तो वो बात सही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा दायित्व वही है, परमात्मा से हम बड़े नहीं है। तो भगवान ने हमारे प्रदेश में जो गाय का जन्म दिया है, तो सबसे बुद्धिमान हम है या परमात्मा, हम बड़े या प्रकृति बड़ी है? तो अपनी ही गाय पालो, अपनी गाय का श्रेष्ठ संवर्धन करो, अपनी ही गाय का दूध घी छाछ खाओ, अपनी गाय के गोबर गौमूत्र और बैल से खेती करो, वो ही परमात्मा की गाय की सच्ची रक्षा है, वो ही भारत में गौ रक्षा है। और दुर्भाग्य है कि धरातल की व्यक्ति को आज यहां मौका मिला, पॉलिटिक्स के सम्मेलन में बुलाते नहीं अपनी प्रसिद्धि के लिए, और जो ऐसी बात होती रही तो गिर गाय से श्रेष्ठ कांकरेज है, दोनों का दूध उत्पादन समान है लेकिन गिर के थन ज्यादा चले जाते, इनके नहीं जाते,
इनकी फर्टिलिटी गिर से दो गुनी है, वो जड़ में तो कोई जाते नहीं है और सीधा भाषण देते हैं सारे देश में गिर गाय का वो उनके नुकसान किया। भारत में सर्वश्रेष्ठ दुधारू और जिसको खड़तल बोलते हैं बराबर, वो थरपारकर है, गिर नहीं है। सबसे दुधारू पंजाब की साहिवाल है और यहां गौशाला वालों ने 10-10, 20-20 हजार में गाय लाकर लाख में बेचनी थी ने, उन्होंने पंजाब वालों को भी गिर गाय पकड़वा दी। उन्होंने गाय का विनाश का काम किया, प्रचार का काम नहीं किया है। पंजाब वालों को समझाओ को आपको साहिवाल को खड़ा करना है, राजस्थान वालों को समझो उनको थरपारकर और राठी, वो 70% आहार लेती है गिर से और दूध समान है। वहां के झोपड़े में मैं रात कई गुजारी है मैंने, जहां राठी पालते हैं लोग, जहां थरपारकर पालते, थरपारकर और राठी सिर्फ गौचर गौचर में जाकर गौचर का घास खा के एक एक टाइम का 6 से 8 लीटर दूध सभी गाय देती है। और एक गाय मैंने अपनी आंख से ऐसी देखी, वो सिर्फ जंगल में चरकर गौचर में छोटा छोटा घास चरकर एक टाइम का 10 लीटर दूध और 6 महीना तक कंटिन्यू इतना दूध देती है। तो इतना दूध मैंने गिर गए तो कहीं जगह नहीं देखा है, ये तो किसी को पता ही नहीं। और गिर गए का भाषण देते हैं और समझ लो ऐसी ही मालवी गाय, जो एमपी से कौन आया हाथ खड़ा करो, मध्य मालवा से। गुरुजी भारत के गौ विज्ञान में लिखा है कि मालवी गाय दिन का 2-3 लीटर दूध देती है, आप चेक करवाओ। वहां फार्म है हमारा गुड़गांव में, एक ही हमारा संशोधन केंद्र है, जीनेटिकल लेबोरेटरी। मैंने वहां प्रिंसिपल को पूछा कि मालवी कितना दूध देती है, तो के दिन का 2 से 4 लीटर। वो हमारे गवर्नमेंट का और वैज्ञानिकों का रिपोर्ट के मालवी का दूध इतना है। मैंने अपनी आंख से एक गाय देखी है, मालवी गाय एक दिन का 16 लीटर दूध देती, उनका फोटो मेरे पास है, है? वो गांव खजूरिया तहसील इंदौर और एक जाट किसान के पास आज भी वो गाय मौजूद है। दुर्भाग्य है हमारी देसी गाय का दूध कितना है ने, वो ना गौ सेवक को खबर है, ना सरकारी तंत्र को खबर है, ना कोई साधु महात्मा को खबर है, और हम भाषण देते रहते हैं, बस वो दुर्भाग्य है। हमें जड़ में जाना है। क्या है, निमाड़ी गाय है खंडवा प्रदेश की, गवर्नमेंट के साहित्य में लिखा है कि दिन का 1 से 2 लीटर दूध देती है या 2 से 3 देती है। अपनी आंख से रमेश प्रजापति नाम का किसान रोड पर गाय लेकर जा रहा था, वो दिन का 12 लीटर दूध किसान के घर पर देती थी। उनकी हम अच्छी रख रखावट करें तो वह 15 लीटर नहीं दे सकती, अरे 20 देती, उनकी तीसरी पीढ़ी 20 लीटर दूध दे सकती है। वर्मा जी, भारत के 10 गौवंश ऐसे हैं, उनका श्रेष्ठतम संवर्धन कर उसमें आंध्र का ओंगोल भी आ जाता है, वो दैनिक 15 लीटर से ज्यादा दूध दे सकते हैं भारत के 10 गौवंश। तो हमें, और जो ओंगोल के बैल है ना, वो पृथ्वी पर ऐसे बैल नहीं है, पृथ्वी पर ऐसे बैल नहीं है। तो आज इस देश के लोगों को विदेशी कुत्ते की नस्ल का पता है कि ये डोबरमैन है, ये जर्मन शेफर्ड है, ये अल्सेशियन है, लेकिन दुर्भाग्य है, है? दुर्भाग्य है कि हमारी गाय की नस्ल का हमें नाम का पता नहीं है, है? उनकी विशेषता का हमें पता नहीं है। अगर ये ओंगोल गौवंश जो अमेरिका के पास होते ना, तो उसने विश्व प्रचारित किया होता और हम सुखी लोग उद्योगपति ओंगोल गाय और बैल रखते कि देखो ये अमेरिका से आया है, अमेरिका का ओंगोल है, कितना लंबा है, कितना ऊंचा, इतनी ताकत है, लेकिन हमारा मूल्य नहीं है। तो आप सारे देश में से आए हैं, मेरा 3 प्रार्थना है जो कर्म मैंने किया है कि अपने प्रदेश में अगर जल की कमी है तो गाय का बचाने का प्रधान कर्म, प्रकृति का बचाने का प्रधान कर्म, गांव को बचाने का और राष्ट्र को समृद्ध करने का प्रधान कर्म है, तो शिक्षा से भी पहले जल रक्षा है कि जल से समृद्धि आएगी तो हम सब कुछ कर पाएंगे, तो अपने प्रदेश में जल रक्षा करें। दूसरा, अपने ही प्रदेश की गाय पाले, अपने गाय का श्रेष्ठतम संवर्धन करें और अपनी गाय की गोबर गौमूत्र से हम खेती बाड़ी करें और गाय के गोबर गौमूत्र से पके हुए ही अन्न खाए। मैं इतना आचरण करता हूं, मेरी फैक्ट्री में 315 लोग काम करते हैं, वहां हम गाय पालते हैं, वहां हम गाय के गोबर गौमूत्र से सब्जी लगाकर वही खाते हैं और वहां व्यसन मुक्ति है।
जो कर्मचारी चाय न पिए उनको हम 350 रुपया देते हैं प्रति महीना, अपने पैसे की तंबाकू ना खाए उनको 500 रुपया देता है, मुझे गौरव है।